आप 2 मिनट सर्च करके जान पाएंगे हाउ टू टेम सम एनिमल? ऑफ कोर्स नॉट, टेक्स अ व्हाइल. बट ऐसा किसी को लगा था. वो खतरों के खिलाड़ी है, वो जो दिखता मे बी सिंपल होगा, इट्स नॉट सिंपल एट ऑल. तो वो चीज़ वैसे ही पॉसिबल नहीं थी. उनको ब्लेम करेंगे, कुछ मुझे ब्लेम करेंगे. सो आई एम एक्सेप्टिंग दैट एंड आई एम एंजॉयिंग इट. हाय, दिस इज कनिका मान. हाय, दिस इज राघव सचर एंड यू आर वाचिंग अस ऑन टेली रिपोर्टर्स. आपने देखा कनिका के परफॉर्मेंसेस को अब तक? खतरे के खिलाड़ी झूठ बोलेंगे अगर हाँ बोलेंगे तो. नहीं, मैं थोड़ा बहुत ही देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है. बट मैं सोशल पे ही ज़्यादातर जो इन्होंने पोस्ट किया, आई वॉज वेरी कंसर्न, क्योंकि जब मैंने इनकी फोटोग्राफ्स वगैरह देखी कि उनको बहुत ब्रूजेज हुए हैं, तो मैंने सबसे पहले मैसेज किया कि आप ठीक हैं, मतलब एवरीथिंग इज ओके, बिकॉज दिस इज स्लाइटली स्कैरी. ये तो ज़्यादा लगी है चोट, ये तो दिखाई दे रहा है. एंड आई वॉज अ लिटिल कंसर्न टू बी वेरी ऑनेस्ट. हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है तो वो कंसर्न एक ऑटोमेटिकली आ ही जाता है. एंड रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद हर. हम जनरली ऑल्सो वी मीट, यू नो, नाउ इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप रादर देन कि आप एक प्रोजेक्ट के लिए मिले. और ये हर एक के साथ नहीं होता. दिस इज अ, आई पर्सनली फील इट्स अ कर्मा कनेक्ट और इट्स अ डिफरेंट कनेक्ट विच इज देयर. कि क्यों ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों के साथ इमीजिएटली घुल मिल जाते हैं और कुछ लोगों के साथ आप बार बार भी मिलें, कितनी बार भी मिलें, बट वो एक कनेक्ट फॉर्म नहीं हो पाता. आपको अपना वो मैसेज याद है, मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं खतरों के लिए रेडी हूँ, आपने बोला नो. मैसेज भी, बिकॉज मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था कि आप स्विमिंग सीखो. आई जनरली प्रोमोट दिस अ लॉट कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए, एनीबडी शुड नो इट. एंड हम लोग बातें कर रहे थे तो शी आई वाज शोइंग हर सम वीडियोस ऑफ माय सन्स डूइंग स्विमिंग एंड शी सेड यार मैंने स्विमिंग नहीं करी है, मुझे स्विमिंग सीखनी चाहिए. तो आई टोल्ड हर कि इट्स अ लाइफ सेवर, यू हैव टू लर्न इट. तो बहुत पुश कर करके मैंने इनको स्विमिंग में घुसा दिया है. सर अब आप करो किसी तरीके से. और मैं 2-4 दिन गई और मैं इनको दिखा रही हूँ कि अच्छा मैं पानी के अंदर अब जा सकती हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई हूँ. तो बोलते अरे वेरी गुड वेरी गुड. और तब तक मेरी खतरों की बात हो चुकी थी. तो मैंने कहा अब इनसे पूछूं और गुड न्यूज़ भी दूंगी कि अच्छा मैं जा रही हूँ. तो मैंने बोला अच्छा आपको क्या लगता है कि मैं खतरों के लिए रेडी हूँ? मुझे था ये बोलेंगे हाँ और मैं बोलूँगी कि अच्छा और मैं जा रही हूँ. बोलते नो. मैंने कहा छोड़ यार. उस समय पर मुझे हेल्प किया. तो उससे पहले मैं पानी के अंदर मुंह डाल भी नहीं पाती थी, मैं बहुत डरी हुई थी. जितने पहले शॉर्ट्स में मैं नहीं कर पाती थी, तो उतना हो पाया कि अब मैं पानी के अंदर जा पाती थी. और आगे ऐसे और भी स्टंट्स हैं जो मैं आराम से कर पाई, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं कर पाती. सो ऑल थैंक्स टू राघव फॉर दैट. एंड मैं जब पानी में जाती थी मुझे लगता था कि ओ थैंक्स टू हिम. ऑफ कोर्स मुझे स्विमिंग अभी भी नहीं आती, लेकिन आई एम कंफर्टेबल विद वाटर. ये मुझे लगता है कि वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी. उन्होंने इंटेंशनली तो ऐसे सच कुछ किया नहीं था. मुझे लोग वैसे बोल रहे थे अरे बोलना तुम तो बाय चांस बाहर हुई हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम होना मतलब यू वांटेड टू क्विट दैट. मुझे लगा कि क्यों ही बिना बात का वो ऐसा करना, उनके ऊपर मैं उस चीज़ को थोपूंगी. ऐसा उन्होंने जानबूझ कर तो नहीं ही किया है. तो मुझे लगा कि लेट्स नॉट डू दैट. एंड अगर मुझ में होगा तो मैं अगला स्टैंड परफॉर्म कर लूँगी, नहीं होगा तो ठीक है जाना ही लिखा था. तो आई डोंट नो, मुझे नहीं सही लगा. देखिए वो उस समय मुझे लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही छोटी सी बात थी, तो मुझसे पर्सनली आके बात कर लेनी चाहिए. बिकॉज ऐसा नहीं कि उसमें वो चीटिंग का कुछ स्कोप होता ही नहीं है वहाँ पे. एंड कोई भी चीज़ आप कुछ देख के नहीं कर सकते हो. वो खतरों के खिलाड़ी है, वो जो दिखता मे बी सिंपल होगा, इट्स नॉट सिंपल एट ऑल. तो वो चीज़ वैसे ही पॉसिबल नहीं थी. वो एक अनइंटेंशनली, बिकॉज आप बैठे हो, सामने वाला बंदा अपना ड्रेसिंग करवा रही थी, तब उस टाइम मैंने जो 2-4 मिनट देखा कि आर दे अग्रेसिव इन व्हाटएवर, जो भी था. वैसे मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी कुछ भी बोल रही हूँ ना, तो क्यों ही बोल रही हूँ, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो ऑफकोर्स मुझे अपना जवाब देना चाहिए. तो उस समय मुझे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, तो बहुत छोटी सी बात थी. लेकिन उसके बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि दैट्स हाउ द गेम इज. ऐसा ही होता है, आप अपना कोई पॉइंट रखते हो तो एक तरीके से रखते हो. तो फिर मैंने भी अपना पॉइंट आपने अगर देखा हो तो फिर मैंने भी रख दिया था. उस समय मुझे थोड़ा खटका था, लेकिन फिर मैं सीख गई. मुझे लगा अच्छा ऐसा ही होता है. एंड रही बात ब्लेम करने की, वो तो आई थिंक होगा ही, कुछ लोग उनको ब्लेम करेंगे, कुछ मुझे ब्लेम करेंगे. सो आई एम एक्सेप्टिंग दैट एंड आई एम एंजॉयिंग इट.
नहीं अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं देखा है बट आई एम आप सपोर्टिंग देख लीजिए व्हाटएवर इट बिकॉज़ इज. नाउ आई नो हाउ टू टेम एन ऑस्ट्रिच. टेम का मीनिंग पता चल गया अभी आपको. अब मुझे हाँ मैं इनसे वही पूछी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा आपको पता है क्या, इन्होंने बोला हाँ मुझे पता है, मैंने कहा मुझे ही नहीं पता था क्या. आई थिंक व्हाट्स द व्यूअर्स को मिल रहा है क्या है टेम का मीनिंग है बताओ. टेम का मतलब टू गेट अंडर कंट्रोल समथिंग, उसको एक डिसिप्लिन तरीके से करना. जैसे अगर कोई डॉग है व्हिच इज अ मिसबिहेविंग डॉग, देन यू टेम दैट डॉग, दैट बिकम्स अ टेम्ड डॉग, कि अब नाउ आई विल बी ओबीडिएंट. तो क्या आप 2 मिनट सर्च करके जान पाएंगे हाउ टू टेम सम एनिमल? ऑफ कोर्स नॉट, टेक्स अ व्हाइल. बट ऐसा किसी को लगा था. ओके डॉग से आता है एक बहुत अच्छा खासा हमजा पर मिल गया था, यू नो कनिका को डॉग टास्क के बाद में उनका ब्रैडी जिसके साथ वो बाइक राइड. अच्छा दैट डॉग, या 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 दैट वो, क्योंकि दोनों दो तरह के डॉग्स वाले एक्सपीरियंस रहे, एक स्टंट डॉग वाला एंड दूसरा दैट ब्रॉडी वाज वेरी क्यूट एंड मेरे को नहीं पता था कि इतना, सो ही वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग. तो उनका जो पैर ऐसे यहाँ रख दिया तो मेरे बाल खींच रहे थे, मैंने कहा ब्रॉडी बाल खींच रहे, उसने हटा लिया, मैंने कहा अरे इतना समझदार है. तो हाँ वो बहुत ही क्यूट था. तो मैं एक बाइक राइड पे गई थी केप टाउन, तो बहुत बहुत मजा आया था. ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं बीच बीच में जो आप देखते रहेंगे बीच बीच में. कौन खेल रहा है अब तक का? अच्छा ये आ गया है क्या? वो जिस समय मुझसे पूछा गया था उस समय वो नया नया इंसिडेंट हुआ था ये ऑस्ट्रिच वाले गेम वाला, तो मैंने उस बेसिस पे बोला था क्योंकि मुझे उस समय लगा था कि इसकी शायद जरूरत नहीं थी, ये किसी और तरीके से ये बात की जा सकती थी. तो मुझे थोड़ा सा उस समय लगा, वो मैंने उस पॉइंट पे वो बात बोल दी. अगर आप मुझसे उस पॉइंट पे पूछेंगे तो मैं आज भी यही कहूंगी कि हाँ मुझे थोड़ा बिग बॉस लग गया था. अब उन्होंने आगे पता नहीं अब तक कितने किए, बिकॉज डॉग्स और हाइना सबसे तो उनका पाला पड़ चुका है. पिग से भी आई सॉ द हाइना स्टंट अ लिटिल बिट, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को जो जो चीजों से मुझे डर लगता है, मेरे को लग रहा था उनको भी शायद लगेगा. व्हाट दिस यू नो रेप्टाइल्स एंड क्रीपी क्रॉलीज समथिंग दैट आई कांट हैंडल. मतलब मेरे को भी अगर कोई अगर ऑफर आएगा ऐसा करने का तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू ऑल द अदर स्टंट्स, बट ये क्रीपी क्रॉली वाला जो सिचुएशन है ना, ये कि आपके ऊपर स्नेल्स डाल दिए, सांप डाल दिए, कि ये कर दिया, कि दिस इज वॉट आई वुड थिंक दैट शी इफ शी इज गॉन थ्रू इट एंड करके आई है सक्सेसफुली तो आउटस्टैंडिंग. आप कर लोगे पर यू नो माइंडसेट बहुत अभी आप सोच रहे बैठे हैं, बट अब जब वहाँ होते हो ना एक कॉम्पिटिशन स्पिरिट भी होती है एंड स्पेशली आई एम एनी विच वेज बिग टाइम इन टू कॉम्पिटिशन. अगर मैं अगर कॉम्पिटिशन स्पिरिट के हिसाब से फिर दिमाग चलना बंद हो जाता है उस वक्त, देन यू वॉन्ट टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड डू कि चल इतना कुछ कर लिया तो दिस इज ऑल्सो ओके, कोई दे विल नॉट पुट यू इन हार्म्स वे कि तुम्हारी मौत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. सो दैट कम्फर्ट इज ऑल्सो देयर दैट द टीम इज वेरी वेल इक्विप्ड विद एवरीथिंग. आपको मैं दिखूंगी सब एपिसोड्स में दिखूंगी.